बोलिया रे दातारा जी दान करण में यत मुंजी राजी धन में हो रे विशियर राजी बीन सुनन में शेर बघेर बन में हो दाता राजी दान करण में धन में विशियर राजी बीन सुनन में शेर बघेर बन में हो दाता राजी दान करण में परमात्मा आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी के पुरुषार्थ परमार्थ नेक कर्म विचारों से बड़ा राजी हो रहा होगा और बड़ा राजी है। आइए किसी कल्पना करिए, दादा ने पहली कड़ी में छोटे छोटे जीवों के बारे में बताया। कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि। कवि ने अध्ययन किया और अध्ययन करके ये बात लिखी। और किस तरह से लिखी, दक हंसा राजी दक हंसा राजी ताल सरोवर चुग चुग मोती खावे गहरे जल में मछली राजी और चीज ना भावे और थोड़े जल में है बगुला राजी कद सीमीन हत्यावे मरे जीव पे वो काका राजी खा खा मांस पुकावे मरे जीव पे वो काका राजी खा खा मांस पुकावे और मेरे बरसन में हो मेरे बरसन में धरती राजी मोर पपी हा घर में ओ दाता राजी दान करण में पूंजी राजी धन में विशियर राजी वीर सुनन में शेर बघेर बन में ओ दाता राजी दान करण पुरुष पंचा में राजी संकट में अपराधी चुगल खोर भाई चुगल खोर
चुगली में राजी सूती राड़ जगा दी। चुगल खोर चुगली में राजी सूती राड़ जगा दी। सी ससी हटा जा और मेरे गारा जी कस्तूरी पे वो फरता भाजा भाजा। अरे छिपकी राजी रहे रोशनी पे कीट पतंगे खा जा। छिपकी राजी रहे रोशनी पे कीट पतंगे खा जा। अरे पतंग हटीला हो चौथी कली में दादा लक्ष्मीचंद जी ने बताया कि ये देवियां हैं, चाहे ये देवियां हो और चाहे वो देवियां हो, ये देवियां भी कौन कौन सी देवी बताई हैं, पांच चार देवियों के नाम दादा ने लिखे हैं कि कौन सी देवी किस देवता पर राजी रही है। उसे दुख सुख से कोई मतलब नहीं, खान पान रहन सहन से कोई मतलब नहीं, वो तो राजी उनते रही है, जिसे राखेगा वो सर लूंगी लेकर रहूंगी उसे का। के बता दिया चौथी बात बड़ा हाँ रे इंद्राणी जी इंद्राणी इंद्र पैरा जी बारह मास रहे से वो गोरा राजी शंकर जी पे जो कैलाश रहे से वो तो विश्व मोहनी विष्णु पैरा जी हर दम पास रहे से। एक पतिव्रता, ये पतिव्रताओं की बात है, एक पतिव्रता प्रीतम पैरा जी चरणा की दास रहे से। पतिव्रता प्रीतम पैरा जी चरणा की दास रहे से। श्री लक्ष्मी चंद शान में राजी हो, श्री लक्ष्मी चंद शान में राजी रहे से इसी लगन में। राजी धन में
राजी दा